UPSC 5 में हम पाठ्यक्रम निर्माण और उनके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि उसको ये इसके बारे में जानकारी हो कि पाठ्यक्रम क्या है और उसका निर्माण करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम सामान्यतः हम शब्द जो प्रयोग करते हैं उसके अंतर्गत विद्यालय में जो भी आयोजित होने वाली गतिविधियां हैं, चाहे शैक्षिक हो चाहे अशैक्षिक हो, इन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। और जो भी अर्जित किए गए ज्ञान हैं, जो विभिन्न अधिगम अनुभव है, उसको भी एकीकृत करके एक पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसमें शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, साथ ही शिक्षण के प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति की सहायता प्रदान करता है। कैरिकुलम का लैटिन भाषा में जो शब्द है कुरेर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए दौड़ लगाता है। पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ही मार्गदर्शन का कार्य करता है। शिक्षाविद एल.के. ओड का मत है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन करते हुए उनके उद्देश्यों की प्राप्ति तक पहुंचा जाता है, उसका अनुकरण किया जाता है। मुनरो का भी मानना है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसका हम शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कई सारे शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम के बारे में अलग अलग वर्णन किया है, लेकिन सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का खाका है जिसके अंतर्गत विषय का पाठ्यक्रम स्कूली स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी विषय से संबंधित पर्टिकुलर जो सेट्स हैं उन सब के व्यवहार परिवर्तन है, जो प्रभावी संसाधन है, विषय वस्तु है, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण क्रियाएं हैं, कार्यक्रम हैं, मूल्यांकन तकनीकी, इन सब का एक सेट होता है ताकि हम इन सब का प्रयोग करते हुए एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सामान्यतः कैरिकुलम और सिलेबस को एक ही शब्द में प्रयोग करते हैं। कैरिकुलम और सिलेबस दोनों ही अलग अलग है। कैरिकुलम का मतलब है कि जिसमें हम विद्यालय और विद्यालय से बाहर जो भी क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती है कैरिकुलम में, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत हम सिर्फ विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को ही सम्मिलित करते हैं। कैरिकुलम के अंतर्गत बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का चौमुखी विकास से संबंधित विषय होता है इसमें, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत खाली विषय वस्तु से संबंधित ही बल दिया जाता है। कैरिकुलम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, लेकिन जो सिलेबस होता है ये सीमित क्षेत्र होता है। कैरिकुलम के अंतर्गत विषय वस्तु, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, तकनीकी, नवीन तकनीकी, इन सब का निर्धारण किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ शिक्षण की विषय वस्तु को ही सम्मिलित किया जाता है सिलेबस में। कैरिकुलम को हम क्रिया और अनुभव का रूप दे करके साझा कर सकते हैं या समझा जा सकता है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ अर्जित ज्ञान पर ही महत्व दिया जाता है। कैरिकुलम के अंतर्गत अधिगम अनुभवों पर आधारित होता है, लेकिन जो सिलेबस होता है वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होता है। कैरिकुलम की सहायता से बालक का समाजीकरण किया जा सकता है, लेकिन इसमें व्यवहारिकता का अभाव होता है सिलेबस में, इसमें सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष पर ही महत्व दिया जाता है। इस प्रकार इन दोनों अंतर को ध्यान में रख कर के शिक्षक को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम विषय वस्तु को, सिलेबस को पूर्ण करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करें। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय कई सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले तो ये कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो विद्यार्थियों की आयु, उनके बौद्धिक स्तर, उनकी योग्यता, इन सबको ध्यान में रख करके करना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। सबसे पहला सिद्धांत है अग्रदर्शी सिद्धांत, यानी फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थियों के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको पहचान करके उसको आगे बढ़ने के लिए मौका दे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय कुछ ऐसा स्थान रखना चाहिए ताकि उसमें संशोधन कर सके, जो भी उसकी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी रुचि है, इन सबको ध्यान में रख के समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जा सके, तो पाठ्यक्रम का निर्माण में लचीलापन भी होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकता, रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो भी उसकी योग्यता है, जो भी उसकी रुचि है, जो उनकी वर्तमान समय में आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों से संबंधित,
यानी इस पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी विषय हैं उनको आपस में हम समन्वित कर सकें, उसको हम संबंधित कर सकें, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर है रचनात्मक सिद्धांत। रचनात्मक सिद्धांत का मतलब है पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसी विषय वस्तु रखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में क्रियाशीलता उत्पन्न हो सके, सक्रियता उत्पन्न हो सके, कुछ रचनात्मक कार्य कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि उसमें विभिन्न क्षेत्रीय, इसके लिए हम प्रयोगशाला और क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु को जोड़ा जाए ताकि वो रचनात्मक कार्य कर सके। फिर नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो और आगे जीवन में वह कुछ काम आए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसी विषय वस्तु रखनी चाहिए ताकि वह अपनी क्रियाशील रह सके, जो भी उसकी आवश्यकता है, जो भी खेल के मैदान है, जो भी प्रयोगशाला है, उसमें लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर कार्य करने के लिए स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी बच्चों की आवश्यकता क्या है, बच्चों की आयु क्या है, उनका मानसिक स्तर कैसा है, बौद्धिक स्तर कैसा है, उनकी रुचि क्या है, योग्यता क्या है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा को स्थान देने वाला सिद्धांत होना चाहिए। ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जो वर्तमान में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो और उनको व्यवसाय करने के लिए सहायता प्रदान कर सके। और लास्ट में है प्राप्त उद्देश्यों का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी उद्देश्य लेकर के चला है उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसलिए जब भी कोई शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण करे तो इस बात को ध्यान में रखना।